उम्र को नापने के दो पैमाने होते हैं, बर्थ एज और बॉडी एज। बर्थ एज समय के फासले को नापता है, जबकि बॉडी एज बॉडी की फंक्शनैलिटी को। इसे इस तरीके से समझिए, दो लोग एक साथ कार खरीदते हैं, उनमें से एक अच्छे तरीके से मेंटेन करता है, चलाता है और 5 साल बाद भी उसकी कार नए के जैसी है। दूसरा बेतरतीब तरीके से चलाता है और अब उसकी गाड़ी बमुश्किल से चलती है। तो कहने को तो दोनों गाड़ियां 5 साल पुरानी हैं, लेकिन उनमें फर्क है। ऐसा हमारे साथ भी होता है। हमारे बीच कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो उम्र दराज हैं और जवानों के जैसा जोश रखते हैं। दूसरी तरफ कई लोग मिलेंगे जो जवानी में ही ठंडे पड़ गए हैं। तो बर्थ एज सरकारी नजरिए से इम्पॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन जिंदगी के खेल में बॉडी एज ही इम्पॉर्टेंट है। आज हम इसी की बात करने वाले हैं कि बॉडी एज क्या है और इसको कैसे कम या रिवर्स किया जाए। एक फंडामेंटल चीज है कि हमारे शरीर में रिपेयर मैकेनिज्म होती है और पूरा शरीर लगातार नया होता रहता है। जैसे हमारी स्किन 1 महीने में नई हो जाती है, हमारा खून 3-4 महीने में नया हो जाता है, हड्डियां भी नई होती हैं। हमारी बॉडी में सिर्फ एक चीज है, आंख का लेंस, जो नया नहीं होता है। इसके अलावा पूरी बॉडी नई होती रहती है। तो अगर हमारी ये जो रिपेयर मैकेनिज्म है ये दुरुस्त रहे तो काफी समय तक बॉडी को नया जैसा रखा जा सकता है। इसके लिए तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं, बॉडी का यूज, न्यूट्रिशन और हमारा बिहेवियर। बॉडी यूज इसलिए क्योंकि बॉडी यूज करने के लिए बनी है, रखने के लिए नहीं। तो अगर हम बहुत समय के लिए एक जगह बैठे रहते हैं तो एजिंग प्रोसेस फास्ट हो जाती है। हमें चाहिए कि कम से कम हम 2 से 4 घंटे तक फिजिकली एक्टिव रहें। और हम अगर चाहते हैं कि हमारा एजिंग वाकई स्लो हो या थोड़ा रिवर्स हो, तो हमें 4 से 6 घंटे तक फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए। थोड़ा ज्यादा भी एक्टिव रहा जा सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिव रहने से 10, 12, 16 घंटे काम करने से भी कुछ नहीं होता, बल्कि थोड़ा शरीर को नुकसान ही हो सकता है। जहां तक न्यूट्रिशन की बात है तो खाना बैलेंस तो होना ही चाहिए, लेकिन क्वांटिटी का बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम थोड़ा सा कम खाते हैं, 15-20% कम खाते हैं, तो हमारा जो बुढ़ापा है वो 10-15 नहीं बल्कि 25-30 साल तक पीछे खिसक सकता है। और अगर हम थोड़ा ज्यादा खाते हैं तो वो जल्दी आएगा। टेक्निक आजकल पॉपुलर हो रही है ऑटोफैगी, जिसमें 72 घंटे तक निराहार रहते हैं। कहते हैं कि ये करने से पूरी बॉडी रिबूट होने लगती है और शरीर नया होने लगता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी एजिंग स्लो हो या एज रिवर्स हो, तो इसे भी महीने में एक बार किया जा सकता है। हमारे बिहेवियर या हमारे मन में क्या चल रहा है, इसका भी एजिंग पे बड़ा असर पड़ता है। यदि हम सेल्फ सेंटर्ड हैं तो इलनेसेस हमारी तरफ आती हैं, और अगर हम सबके बारे में सोचते हैं तो वेलनेस। इलनेस और वेलनेस में सिर्फ आई और वी का फर्क है। तो हमें आई सेंटर्ड होने से बचना चाहिए और सबके बारे में सोचना चाहिए, लेकिन हमारा वी का दायरा भी जरा बड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे परिवार, मेरी जाति, मेरे धर्म या मेरे देश तक सीमित रहे। अरे, दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि पर्यावरण के साथ मर्ज हो जाए। जीन्स का भी एजिंग पे फर्क पड़ता है। कई लोग हैं जो खानदानी तौर पर बड़ा लंबा जीते हैं, लेकिन उसकी चर्चा करने का अब कोई फायदा नहीं क्योंकि हम ऑलरेडी पैदा हो चुके हैं। तो किया वो जाए जो हो जाए, और कोशिश हमें ये ऐसी करनी चाहिए कि 100 बरस की उम्र तक हमारी जो बॉडी एज है वो 40 के अंदर रहे। आफ्टर ऑल जिंदगी एक बार मिलती है, इसे जरा जवां जिया जाए।